अबे यार क्या करूँ, इतना बर्डन हुआ पड़ा, कैसे मैनेज करूँ ये सब। खैर भाई क्यों परेशान हो? यार क्या बताऊँ, काम बहुत पड़ा करने वाला, मुझे समझ नहीं आ रही मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। एडमिन को ईमेल करूँ, क्लाइंट हंटिंग करूँ, फेसबुक पे जाऊँ, लिंक्डइन पे जाऊँ, व्हाट्सएप पे देखूँ, रीसेलर के साथ बात करूँ, क्या करूँ? बस इतनी सी बात जी, बस इतनी सी। आई हैव अ सॉल्यूशन, लेट्स जॉइन आवर टीम। गाइस लेट्स वेलकम आवर न्यू मेंबर। Guys, I need some updates. ये बताओ, Discover Magazine है हमारे पास? Discover Magazine available है, 210 है, author post है हमारे पास। PayPal किसका active है? Yes, मेरा active है PayPal। एक invoice बनाओ $210 की और हमने client को send करनी है। I need fashion sites। Yes, available। Okay। हाँ भाई अहमद जी, सर कैसा रहा टीम वर्क हमारा? जी बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा, टीम वर्क के बगैर जो है ना कामयाब होना नामुमकिन है। जी तो आखिर कोई ना कोई तो बात है कि जो बच्चे फिजिकल के माशाल्लाह एक ही महीने में 70,000 से भी ज्यादा माशाल्लाह पैसे इन्होंने कमा लिए और तकरीबन 3 से 4 ऑर्डर इनके माशाल्लाह पेंडिंग में। बात करने का मकसद यह है कि इन लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग जो कि इंटर्नशिप का कोर्स करने के बाद इन्होंने माशाल्लाह अपनी एक टीम बिल्ड की। ये जो सब आपको बच्चे नजर आ रहे हैं इन्होंने अपनी एक टीम बिल्ड की, टीम बिल्ड करने के बाद इन्होंने इकट्ठे काम स्टार्ट किया। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हर बंदा या वैसे ही टीम जो है बनाए और उसके बाद काम स्टार्ट कर दे। कुछ लोग जो है टीम बिल्ड के साथ भी काम कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग जो है अकेले भी काम करते हैं। जो अकेला लड़ता है वो फिर बाद में शेर पैदा होता है। एनीवेज इन लोगों ने माशाल्लाह बहुत मेहनत किया और माशाल्लाह आज इनके जो है तकरीबन 13 से 14 ऑर्डर कंप्लीट हो गए और तकरीबन 3 से 4 ऑर्डर अभी तक पेंडिंग में है। तो आज इंशाल्लाह वन बाय वन इनसे आज डिस्कस करते हैं। और एक और बात, माशाल्लाह इन लोगों के पास एक न्यू स्ट्रेटजी है जो कि स्ट्रेटजी है कि इन्होंने स्कैमर्स जितने भी है, कह रहे हैं हमारा एम है कि हर स्कैमर्स को हमने पकड़ लेना है और भगा देना है। एनीवेज हम आज इनसे वो सीक्रेट, वो गुर भी आज इनसे सीखेंगे, कुछ थोड़ा बहुत पूछेंगे, मे बी हम इनकी हेल्प कर सकते हैं और वीडियो है देखने वाले लोग भी इनकी हेल्प कर सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी जो भी बेईमान लोग हैं, जो भी स्कैमर्स हैं, जो भी लोगों के साथ बुरा करते हैं का नुकसान करके भाई जाते हैं, हम उनको भी पकड़ने में मदद करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस और दूसरी बात बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना वक्त निकाला। और एक बात पे मैं माजरत ख्वाहूं कि मैं इंटर्नशिप के बच्चों को एक भी क्लास बिजी होने की वजह से नहीं दे पाया लेकिन इंशाल्लाह उनको हम कोशिश किसी ना किसी तरह जूम पे ऐड करके उनके साथ मैं जरूर करूंगा। तो हम वन बाय वन सज्जा तो शुरू कर लेने हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर फारूक जी। आपका नाम? वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद जी। मेरा नाम हारिस मदर। हारिस सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान माशाल्लाह। जी मेरा नाम मोहम्मद नसीर है। नसीर, ये कुछ लोग जो है बसीरपुर से हैं, कुछ रावलपिंडी से हैं, कुछ मुजफ्फरगढ़ से हैं, कुछ जो है कहाँ से हैं आप? उकाड़ा से हैं। कुछ लोग यहाँ के मकामी लोग भी हैं और कुछ लोग, इन्होंने अपनी एक टीम बिल्ड की, टीम बिल्ड करने के बाद इन्होंने जो है अपना काम स्टार्ट किया और माशाल्लाह आज ये इकट्ठे बैठ के और इकट्ठे मिल के काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़े इत्तफाक के साथ। मैं दुआ है मेरी कि जिस तरीके से आज आप एक दूसरे के साथ संजय है ना आज काम कर रहे हैं, वरना मोस्टली लोग इस तरीके से ग्रो नहीं होते, पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियाँ दे। तो हम आज आपसे सीखते हैं ये आइडिया आपको कहाँ से आया और अभी तक आपने, अभी आपको क्या लग रहा है इतने ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आज हम आपसे सीखते हैं। ये वाले भाई अभी स्टार्ट कर दें फिर हम वन बाय वन से पूछते जाएंगे। जी ऐसा है कि यहाँ पे इंटर्नशिप प्लान में आने के बाद जब मैंने सीखा कि सारे मतलब यहाँ पे सीख रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो था इंडिविजुअल पन, इंडिविजुअल होना। और इतना सारा डाटा है मार्केट के अंदर, मतलब कि एडमिन डील्स बनाना है, क्लाइंट को हंट करना है, फेसबुक को भी देखना है, लिंक्डइन भी है, बहुत सारी चीज़ें। अब इस वक्त आपको भी पता है रीसेलिंग मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है जी। लेकिन रीसेलिंग में एक रिस्क टेकिंग है, किस चीज की? वो स्कैमर्स की, बिल्कुल। उसके लिए हमारे जो टीम मेंबर हैं सलमान, उन्होंने एक बड़ा क्रिएटिव मुझे आइडिया दिया और इस पे सारा वर्क भी सलमान ने किया, माशाल्लाह जबरदस्त। तो वो इंशाल्लाह वो खुद ही वो डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात यह कि मैंने इन सबको सिर्फ एक वीएन दिखाया, मैंने इनको कहा कि अगर हम ना इस तरह मिल के अपने काम को बांट लेते हैं ना तो हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स को उठाएंगे मार्केट से। तो हम मुझे अंदाजा था क्योंकि पूरी रीसेलिंग मार्केट में ना डेली 100-150 ऑर्डर आता है लेकिन अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ना वो मिस साइट की मिस हो जाता है, जबरदस्त। तो फिर हमने ये क्या किया कि हमने ना इसी अच्छा, ये बच्चे माशाल्लाह इतने क्रिएटिव हैं कि इनको मार्केट के डेली बेसिस के ऑर्डर का इन्होंने भी एनालिसिस किया हुआ है कि जो चीजें अवेलेबल ना होने की वजह से मिस होते हैं उनकी उनके पास उसकी भी क्वांटिटी, क्वालिटी की तो क्या बात करनी, उनकी क्वांटिटी भी इन्होंने मेजर की हुई है कि इतने लोग हैं। एनीवेज जबरदस्त। अच्छा इसके अलावा और
क्या स्ट्रेटजी है आगे इसको साथ लेके चलने की, आगे क्या स्ट्रेटजी है? आगे स्ट्रेटजी ये है कि हमारी कोशिश है कि हम 500 ऑर्डर्स इन अ मंथ उठाएं। माशाल्लाह जबरदस्त, ठीक है। उसके लिए मैंने इनको पूरा प्लान बना के दिया कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। उसके साथ अब ना एक और चीज भी है कि ना काफी सारे लोग हैं वो गेस्ट पोस्टिंग में कंफ्यूज होते हैं कि आगे क्या करना है और हर एक ऑर्डर लगाने के चक्कर में होते हैं। तो ये है कि अगर हम उनका भी साथ दें, उन्हें कहें कि आप हमारे लिए क्लाइंट ढूंढ लाएं या आप जैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, तो हम आपका ना ऑथेंटिकेट ऑर्डर पूरा करवाएंगे विद रिफंड के साथ। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई बंदा आता है, हम उनका ऑर्डर पूरा मतलब करके देते हैं, तो ये ऑथेंटिसिटी भी हम मार्केट में रखना चाहते हैं। इससे क्या होता है, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा ग्रोथ है। हाँ, बिल्कुल, ये क्योंकि हाँ मार्केट में क्रेडिबिलिटी। अभी हमारे साथ एक स्कैम हुआ था 14,000 रुपए का, वो मतलब मैंने अपनी पर्सनल ही उसे पे किया था, लेकिन वहां से एक चीज हमारे लिए अनलॉक हुई क्योंकि एक एजेंसी ने हमें आउटरीच किया हुआ था और एक दिन के अंदर मुझे उन्हें लाइव लिंक देना था, तो मैं दे नहीं सका। लेकिन मैंने कहा था कि अगर मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा तो मैं रिफंड पूरा करूंगा। मैंने उनको रिफंड पूरा किया। इससे फायदा ये होगा कि उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो गया। ठीक है, तो कभी कभी मुश्किलात आती हैं, लेकिन ये है कि आप उसमें सीखते भी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इन भाइयों को भी बोलने का मौका देते हैं। जी दोस्त। जी सर, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो देखी और मोटिवेट हुआ, और उसके बाद अपनी टीम मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने मुझे इन्वाइट किया और मैंने अपनी टीम ज्वाइन की। तो बेसिकली मैं तो फिजिकल बैच 5 का स्टूडेंट हूं, इंटर्नशिप मैंने नहीं की। तो पहले मैंने जब आपका कोर्स किया तो पहले मैंने इस फील्ड को समझा है कि इसमें चक्कर क्या है, दुनिया गोल है तो कैसे गोल है। समझने के बाद फिर मैंने जब ये लोग आए उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उसके बाद मैंने प्रॉपर वे में काम किया एक मंथ। बड़ा पुरजोश है, बड़ा मोटिवेट, क्या नेर डाल लेना है, क्या करना है, जबरदस्त। अच्छा, बैच 5 के स्टूडेंट हैं जी भाई, जबरदस्त। और बैच 5 के स्टूडेंट होने के साथ आपने इंटर्नशिप के साथ इनके साथ आपने मिलकर काम किया जी। अच्छा, आपका दोस्त का नाम क्या है? उमर जी। आपका क्या इन टीम को लेके क्या है, कोई टीम का नाम वगैरह सोचा? कोई नहीं, नाम अभी कोई नहीं सोचा टीम का, जो इन्होंने कभी भी नाम नहीं सोचा। एनीवेज खैर है, एनीवेज आप भी कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, कोई भी आपको लगता है कि ये एक खैर की बात है या इन सुनने वालों के लिए कोई अच्छी बात है, तो वो आप जरूर शेयर। ऐसा है कि जैसे मैंने पहले शुरू में अकेले आपका कोर्स देखा है, तो प्रॉपरली काम कर रहा था बट उतना नहीं कर रहा था जैसे करना चाहिए। तो उसी टाइम पे मैंने आपका बैच 5 ज्वाइन करना चाहा, पर आपने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम में क्लासेस कम थी। तो मैंने कहा ठीक है, आपने कहा था इंटर्नशिप में आ जाएगा, तो मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया। फिर इनसे मुलाकात हुई भाइयों से, तो मिले हैं, बिल्ड किया है, एक मंथ यहाँ पे रहे, अच्छा गुजरा। फिर भाई ने कहा चलते हैं, तो हमने एक साथ। अच्छा, आपको अब ये क्या लग रहा है कि जो अर्निंग हुई है क्या आप लोगों ने सब में डिवाइड की है? जी जी, हाँ, हाँ, डिवाइड है। हम साथ डिवाइड करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो आप चल रहे हैं, देखिए आज ये जो लोग आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, इधर से लोग भी अपनी टीम बिल्ड करेंगे, लोग भी यहाँ पे इकट्ठे होकर काम करेंगे। कल को किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, किसी के साथ नाइंसाफी हो जाती है, तो भाई गुफरान आदि को कुछ नहीं कहना, उमर भाई इस चीज़ के हक में नहीं है कि आप जो है टीम बनाएं। मैं समझता हूँ अगर आपने टीम बनानी है, ये ऑन दी कैमरा रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो आप इनिशियल टीम अपने घर से स्टार्ट करें, ठीक है, अपने बहन भरावान को, इसलिए क्योंकि बहन भाइयों से ज़्यादा खून का रिश्ता ही सबसे जो है अहम है। बाकी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नो डाउट ये बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक की उनको मैं मजीद दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपका इस तरह टाइम टाइम और सही रखे, लेकिन चीज़ें सही नहीं रहती, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। इस तरीके से मतलब कि मेरे साथ फीमेल्स ने भी काम किया, मेल्स ने भी काम किया, पुत्र मतलब मिसाल बहुत सब चीज़ें, वो जो ताल्लुक होता है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ ऑन दी कैमरा रिकॉर्ड, ये चीज़ें इसी तरह हम अपलोड करेंगे कि ताल्लुक जो होता है शुरू में वो ना, मैं ये सारी बातें जो सुनने वाले हैं वो भी सुन लें, क्योंकि ये बात अगर कैमरे के सामने ना करेंगे तो कल नूं सब औखे होवणगे। देखो जब ना वो कहता है एक पंजाबी का मुहावरा है, जिवें मेरी अब्बा दसदा है कि राह पै जाने या वाह पै जाने, ठीक है, ये सेम ऐसी है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो ताल्लुकात है वो है शहद, शायद बहुत ही मीठा होता है, समझ आई ना, फिर उसके बाद ये ताल्लुकात थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, जो कहेंगे चीनी हो गया, मीठा हो गया, लेकिन जैसे ही कुछ अरसा गुजरेगा तो फिर ये यही जो है ना ताल्लुकात, ये एक नमकीन हो जाता है, रिश्तों में दिलों में तजाद कहीं ना कहीं हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या हमारे में से कोई बंदा याक निकल आता है, तो इस तरीके से भी ये चीजें हो जाती है। यानी कि मैं आप लोगों को डीमोटिवेट कर रहा हूँ, ये आप लोगों को ऑन द कैमरा रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ कि अगर टीम बिल्ड करनी है ना फिर यक जा गल हो, ठीक है, टीम बिल्ड करनी है, गल पता लगे कि जनाब आपा कोई शह खड़ी की थी, आज जो गल की थी इसे गल ते कायमा दाइमा जो भी है, और आज ही अपने आप को हदीसे मुबारक है कि आज जो आप कर रहे हो ना वो स्टाम्प पेपर कर लो,
बड़ा बंदा धक्के खाना है, बड़ा जलील होता है। लिखत पढ़त जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, कुछ टाइम कर लेते हैं कि ये इतने परसेंट आपका, ये इतने परसेंट आपका, ये चीजें आपकी, ये काम इतना आपके गिरफ्त है, ये आपका बंदा है, ये बड़ा ईमानदार है बाय फेस और बाय आप देख लें इसको जबरदस्त, नो डाउट आप सब है। जैसे एक बंदा जी मैं मिसाल बाय फेस, अभी आपने जब वीडियो स्टार्ट की ना तो मेरे माइंड में एकदम आया क्या कि आप एक जो है आप एक ढीले बंदे हैं, ढीले मुराद आप जिस तरह ये बोल रहे हैं आप कॉन्फिडेंट हो गया वो नहीं है, लेकिन सब बंदे बराबर नहीं होते। लेकिन अल्लाह ना किसी एक बंदे के वसीले नाल सारे मामला चला रहे हैं, एक बंदे का घर का जी होता है उनके वसीले रिजक आ रहे होता है, उनके वसीले चल रहे होते हैं। मैंने इनसे ना आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने इनसे यही बात की ना एक दूसरे के बारे में सोचोगे ना तो रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा बिल्कुल बांटने से चीज, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ देखो अभी तक ना अभी तकरीबन मैंने 5-7 टीमें बनाई होंगी 10, देखो अगर मैंने फेल ही नहीं ना हुआ तो फिर मुझे क्या पता पास कैसे होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये सारे एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, मैंने ये सारी चीजें सीखी हुई हैं, इसलिए ऑन द कैमरा रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि पुत्र ए ही नहीं होता ये सर, हम जब ये इधर ही रहो वीडियो के अंदर हम चल रहे हैं, दैट इज द सीरियस पार्ट, ठीक है। कैमरे ये नहीं कि आप उधर कान में बात कर रहे हो, तो बात करने का मकसद यही नहीं कि हम जो है ये चीजें सब कर रहे हैं, इसके अलावा भी चीजों को देखें, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे लोग भी करेंगे, लेकिन जो तजर्बा होता है ना, जो एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे लोग मेरे साथ स्टार्ट में कहाँ थे, स्टार्ट में कहाँ था, आज भी मेरे साथ पुराने लोग ऐड हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं बिछड़ते चले जाते हैं, लेकिन काफिला बड़ा होता जाता है। मेरी दुआ है कि ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहे। एनीवेज बहुत शुक्रिया, और दोस्त अब आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो भी आप लोग अपने जो है आपके आइडियाज हैं, जो भी चीज़ें हैं, अभी इनसे हमने सीखना है कि स्कैमर इन्होंने कैसे पकड़े। एनीवेज आप स्टार्ट कीजिए। जी मेरा नाम मोहम्मद नसीर है और मियाँ वाली से मेरा ताल्लुक है माशाल्लाह, और मैंने इंटर्नशिप की आपका वो देखी थी वीडियो, पहले मैंने जूम पे आपका वो लिया लेकिन घर में मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं दे पाता था, कुछ एडमिन डील्स मैंने घर बनाई थी लेकिन वो प्रॉपर वे में बंदा काम नहीं कर सकता, मसरूफियात होती हैं, तो मैंने इंटर्नशिप का आपका वो प्रोग्राम जो है उस क्लास को ज्वाइन किया, तो उसके बाद मेरी हारिस भाई से मुलाकात हुई, पहले हमारे साथ काफ़ी बंदे थे बैज में से लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए सारे, ऐसे ही होता है जी, बाद जो जड़े नगर आए ने बाद जी डे रे मोती 40 में जेम्स निकल गए, बाकी मतलब शापर वापर ऐसे ही चले जाते हैं, बाकी कुछ बंदे जो होते हैं जो आप समझे खुददार दलेर, ठीक है, साथ खड़े रहने वाले और पक्के कि यार जो भी हो जाए नेर आ जाए मी आ जाए असी डटे हुए हैं बिल्कुल, तो उसमें से कुछ हमारे जो साथी थे वो छोड़ गए, हम ये 5-6 बंदे, बाकी हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं जो इधर नहीं आ सके किसी वजह से, तो हमने सोचा कि आज इंटरव्यू में सर को थोड़ा सा बता दें कि हमने इंटर्नशिप के प्रोग्राम में क्या कुछ सीखा है। देखिए आप कितने कहां कहां इलाके से आप उठ के आए हैं और सिर्फ एक आप इंटरव्यू के लिए, तो मेरे लिए बड़ी एक अच्छी बात है और आप लोगों ने यहाँ से सीखा है, और आप ऑन द कैमरा रिकॉर्ड इधर से एक पैगाम देना चाह रहे हो कि यार आप जैसे आप थंबनेल में कह रहे थे, थंबनेल में ये लिखें कि आखिर टीम बना ले, आखिर आप टीम बना लें। लेकिन ये जो लोग हैं ना ये इस चीज़ को मानते नहीं है, इन्फॉर्मेशन की बात हो ये सुनते नहीं है, ये सुनते नहीं रुपया निकालो, ठीक है, मैंने आगे भी बताई बिल्कुल, ये एक चीज़ है शॉर्टकट है, ये हमारी साइकी में शामिल है। बहुत शुक्रिया नसीर, हाँ भाई स्कैमर्स आप फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, और बाकी फेवरेट सर तो मेरे सर अरसलान है, ग्रेट वो मेरे फेवरेट है, माशाल्लाह, बाकी स्कैमर वो बहुत अच्छे आदमी है, वो मेरे फेवरेट है, बड़े डाउन तो आते हैं। बाकी स्कैमर के हवाले से ये था कि फर्स्ट टाइम जब हमारे साथ स्कैम हुआ, ठीक है, तो मैंने अपनी टीम के लिए सोचा कि हमें स्कैमर से किस तरह बचना है ठीक है, रोज़ यानी कि व्हाट्सएप पे किसी भी ग्रुप में रोज़ स्टेटस कुछ ना कुछ लगते हैं कि यार इस बंदे ने मेरे साथ स्कैम किया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने उनके लिए ख़ास तौर पर ना एक अलहदा शीट बनाई, जितने भी स्कैमर मार्केट में पेर रहे हैं, यानी कि एक बंदा वो लगा तो देता है कि यार ये स्कैमर है लेकिन वो फिर भी मार्केट में मौजूद होता है, बाहर नहीं निकलता, बाकी और बंदों के साथ भी स्कैम कर जाता है, तो उसको मैंने प्रॉपर एक शीट के अंदर रखा कंट्री वाइज, यानी कि जो गोरे हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, जो भी है, सबको एक शीट में रखा, और वही शीट मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं, यानी कि बाहर जितने भी लोग हैं उन सबको प्रोवाइड करूँ। जबरदस्त, ये भी ठीक है, बाद में जिसके पास भी वो आए वो आईडी पे जाके वहाँ सर्च बार में जी बिल्कुल, नंबर भी आना चाहिए, उसके लिए स्पेशल है कि यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और जिस बंदे के साथ जो स्कैम होगा विद प्रूफ मुझे सेंड करेगा, मैं उसी लिए इसमें ऐड करता जाऊँगा और हर एक बंदे को सिर्फ व्यू का शीट दे दूँगा। जबरदस्त, ये भी अच्छी बात है,
चलो मुर्गे और कमीने लोग पकड़ने का दैट इज द बेस्ट वे। अच्छा एक और बात दैट इज द आप समझ लें दैट इज द तारीफ तारीफ नहीं सुनूंगा जेन्युइन बात कि आपको इधर मेटा चीफर बैगुफरान हादी एकेडमी में आपका लगता है कि आपके दिए पैसे पूरे हो गए हैं, आपको लगता है ये इंस्टीट्यूट है वाकई यहाँ कुछ सिखाया जाता है? डेफिनेटली हमने कुछ सिखाया है। क्या लगता है कि वो जो हमने बातें वीडियो में की हैं क्या इधर आके लगता है कि वो सीखी हैं आप लोगों? मेरे हिसाब से ना जो लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं ना वो एक माइंडसेट के साथ जब आते हैं ना तो वो आराम से सीख जाते हैं, क्योंकि सर अरसलान और सर साकिब ने जिस तरह हमें पढ़ाया उस हिसाब से ना चीज़ें उन्होंने काफ़ी आहिस्ता और काफ़ी ईजीली कन्वे की डीपली। हाँ कुछ लोग हैं उनका पिछला बैकग्राउंड ही ऐसा होता है पत्नी चीज़ें या तो उन्होंने इतनी हाथ मारी होती हैं या तो वो उस चीज़ को सीख नहीं पा रहे होते जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि हम सीख नहीं पा रहे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कन्वे किया चीज़ों को जाहिर बात है हम 4 घंटे की हमारी क्लास थी, 2 घंटे वो पढ़ा रहे हैं और 2 घंटे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, 4 घंटे आप फोकस कर रहे हो एक चीज़ के ऊपर उसके बावजूद भी आप ना काम कर सको तो मेरे ख्याल के कुछ बचता है। तो एफर्ट आपकी 100 में से 100% रही है, सारी चीज़ें आपने टाइमली कन्वे भी की हैं, सारा कुछ किया। बाकी थोड़ा सा मुझे हॉस्टल के अंदर चीज़ें थोड़ी हो रही असल में ऐसे जो ये भी अमोल भी कैमरा रिकॉर्डिंग बोलते हैं हॉस्टल में पुत्र 350 लोग साढ़े को सिर्फ बैच आ लेने ऐसे ही है, 50 हमारी टीम के हैं, बिल्कुल 400 वो बंदे हैं जो एक तगड़ी बरात है ऐसे देखिए 400 लोग हम तो फिर भी ऐसे लगते हैं जैसे बच्चे हम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने अपने जो है कैपेसिटी और अपनी जरूरत के लिहाज से हम बड़ा अच्छा कन्वे करते हैं अगले को, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग होने की वजह से चीज़ें होने की वजह से हमारे पास 3 बंदे हॉस्टल को ही संभालने वाले हैं लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं मैनेज होती। एनीवेज आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में बेहतरी आती है और हम हमेशा जीरो से ही अमीरो बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव होती हैं। मेरा ख्याल है जो सर जिशान थे हमारे जो हॉस्टल के इंचार्ज थे उन्हें अगर कोई मसला बताते थे वो हमें जल्दी उन्हें रिस्पॉन्स करते थे। असल में ऐसे है ना चीज़ें सडनली हो ही इतनी जाती हैं, जैसे आजकल कितनी सारी हर्डल्स इनको आ रही हैं क्लाइंट ढूंढने में, इनको कितनी सारी हर्डल्स आ रही हैं स्टार्ट कहाँ से करें, इनको कितनी सारी हर्डल्स आ रही हैं अब क्या कर रहे हैं, करना भी है या नहीं करना, सोच रहे हैं एडमिशन लें या ना लें, सोच रहे हैं स्टार्ट करें या ना करें, कितने सारे रोल है। तो इसी तरीके से एक बंदा जहाँ रह रहा है कितने सारे लोग रह रहे हैं, कितने सारे आप समझ लें कि उनकी थॉट्स हैं उनके माइंड सेट हैं, कितने सारे लोग डेली आ जा रहे हैं तो चीज़ें हैं वो हो जाता है, लेकिन अपनी जो है कोशिश वो यही है कि हम अपने कैपेसिटी से ज़्यादा ही करें ताकि देखिए अगर हम आप वो हैं सरमाया यार आज जो तुम तो जाओगे तो कल कहोगे यार के साथ चंगी की थी। इट्स मीन हम कैसे चाह सकते हैं कि हम किसी का बुरा करें जो हमें फीस भी दे रहे हैं, हम कैसे कह दें कि यार उन्होंने सिखाइए ना, अगर वो सीखेंगे तो जाके कहेंगे यार बंदे तो पुत्र ने किसी ने पढ़ाया। कुछ लोगों का फेनोमेना होता है कि वो कहते हैं यूट्यूब से सीख लो, यूट्यूब से बंदा सीख तो लेता है लेकिन टाइम बहुत लगता है 7-8 मंथ जो नॉलेज बंदा यूट्यूब से 7-8 मंथ में अचीव करता है वो बंदा अगर फिजिकली कर ले तो विदिन 2 या 3 मंथ कर लेता है। हाँ बिल्कुल और चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपकी अर्निंग बढ़ जाती है और आपको ऑर्डर लगना शुरू हो जाता है। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का आप लोग डिफरेंट जगह से आए हैं और फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वाली बात हो मैं ऑन द कैमरा रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको कोई लगे कि यहाँ पे खैर की बात है गेस्ट पोस्टिंग कॉन्टेंट राइटिंग के जो है अबाउट तो हम आपको ज़रूर कैमरे में आने का मौका देंगे, हम आपको ज़रूर प्रमोट करेंगे कभी भी कि आपको लगता है कि इससे खैर बढ़ सकती है इससे जो है लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो फ़ायदा है ना चैनल से हमें यही है ना कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एनीवेज बैच 7 के जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं, जो बच्चे भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं नीचे पट्टी पे आपको नंबर चल रहा होगा आप एडमिशन ले सकते हैं और बाकी अभी भी मैं कह रहा हूँ सोच रहे हैं तो आप घर में बैठ के यूट्यूब से स्टार्ट ले लें लेकिन डट के मेहनत करें। तो बहुत शुक्रिया और आपकी मैं टीम का नाम रखूँगा, टीम का आज ही नाम हम डिसाइड कर लेते हैं वीडियो में, क्या ख्याल है आए तो वो क्या ख्याल जो नाम आप दे रहे हैं क्या ख्याल नहीं आप पहले कोई सजेशन तो देना ये टीम टीम था बीएम बीएम बैच बैट्स के नाम से कर बैच में टीम ड्रैगन रख देते हैं ड्रैगन नहीं आप लिख रहे हैं जी मिस्टर्स ठीक है मिस्टर्स टीम ठीक है क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना मिस्टर। एनीवेज इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।